हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेम शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी आप जिस तरह का लोगो स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इस तरह का लोगो क्रिएट करना चाहते हो तो आज मैं इसी का ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करके हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। तो ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ये जो न्यू टेक्स्ट अभी लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करके इमेज साइज़ में जाना है और इसकी साइज़ आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यूट्यूब थंबनेल के लिए कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक PNG इमेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको वही इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो टिक पर क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसमें जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन का यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। आपको इसको बीच में कर लेना है और इसको इस तरह से आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं भी बैकग्राउंड में क्लिक कर देना है एक बार। फिर यहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन दिखेगा। आपको शेप्स वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको यहाँ से स्टार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। अब ये स्टार वाले शेप को आपको इस तरह से छोटा कर देना है एकदम। उसके बाद आपको यहाँ पर पोजीशन में जाकर इसके पोजीशन को यहाँ पर ये जो बगल बगल में दोनों हैं, आपको यहीं पर इसको रख देना है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो हम इसको यहाँ पर अच्छे से एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। फिर रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको हम बीच में कर लेते हैं। सॉरी, ये तो एकदम से बीच में हो गया। इसको हम फिर से पहले की तरह एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको आपको एकदम बीच में ही रहना चाहिए। यहाँ पर ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब एक को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिखेगा। आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो ये दो हो जाएंगे। अब आपको इसको राइट साइड की तरफ एडजस्ट कर लेना है। आपने लेफ़्ट साइड वाला कर लिया है तो उसी तरीके से आपको इसको भी यहाँ पर कर देना है एडजस्ट। तो ये हो गया राइट साइड में भी। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और इन सब को आपको मर्ज कर देना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो ये सब अब मर्ज हो गए। मर्ज हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर जाना है। एक ऑप्शन आपको दिखेगा इरेज कलर का, आपको इसमें जाना है और इसको आपको इनेबल्ड कर देना है। उसके बाद टॉलरेंस आपको इसका 70 पूरा फुल कर देना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस टेक्स्ट वाला आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो अपने यूट्यूब चैनल का नेम है आप राइट कर सकते हो। तो मैं प्रेम टेक्स लिख रहा हूँ और ऑफिशियल मैं बाद में लिखूँगा, तो मैं पहले प्रेम टेक्स लिख रहा हूँ। इसको हम यहाँ से कैपिटल लेटर में कर लेते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको इसको यहाँ पर लेकर आना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फॉन्ट का, तो पहले हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको माई फॉन्ट में जाना है और ये वेंटस फॉन्ट आपको यूज़ कर लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा कर्व का, ये बेंडिंग का ऑप्शन है। आपको इसको इंक्रीज़ करना है। तो इसको हम 75% रख रहे हैं, तो इसको हम 75% ही सही रहेगा। 75% करने के बाद टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको यहाँ से बीच में कर लेना है। उसके बाद इसको हम पोजीशन में जाकर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारा एडजस्ट हो गया। इसके एडजस्ट हो जाने के बाद आपको इसको फिर से एक कॉपी करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। और ये प्रेम टेक्स अब तक लिखा था, अब आपको यहाँ पर इसको एडिट करके ऑफिशियल लिख देना है अपने चैनल का, जो आपका नेक्स्ट नेम हो गया। और अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर जाना है और आपको यहाँ पर फिर से आपको कर्व में जाना है। और उसके बाद अभी 75% था, अब आपको इसको -70% कर लेना है। तो इसको मैं -75% कर रहा हूँ। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। फिर आपको वही प्रोसेस करना है कि आपको रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको बीच में कर लेना है। उसके बाद पोजीशन में जाकर
आपको इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्व हो गया, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो इसको हम -70% कर देते हैं। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। फिर से अब हम इसकी पोजीशन को एकदम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी पोजीशन को एडजस्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ फिर से लेयर वाले आइकन में जाना है, नहीं तो अभी आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर प्लस टेक्स्ट के आइकन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। और आपके चैनल के ये जो बीच में जो गोला में जो भी बचा हुआ है, आप यहाँ पर जो लिखना चाहते हैं आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर PS लिख दे रहा हूँ। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में जाकर आपको इसको बीच में कर देना है। फिर आपको यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो इसका भी फॉन्ट हम वही वाला रखेंगे वेंटस का जो हमने पहले रखा था, तो यही फॉन्ट हम फिर से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो अब ये हो गया। इसका साइज़ आपको यहाँ से इंक्रीज़ कर देना है, तो इसकी साइज़ हम 90 कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको आपको बीच में कर देना है। तो अब इतना हो जाने के बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन में अब जाना है और यहाँ पर आपको टिक वाले पर क्लिक करना है। और जितने भी टेक्स्ट आपने ऐड किए हैं आपको सिर्फ तीनों टेक्स्ट को ही यहाँ पर मर्ज करना है, सर्किल वाले को नहीं। उसके बाद आपको लेयर वाले आइकन को क्लिक करके इसको हटा देना है। अब आपको यहाँ पर टेक्सचर का ऑप्शन दिखेगा, आपको टेक्सचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक टेक्सचर यूज़ करना है। उस टेक्सचर की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो यही है गोल्डन टेक्सचर, आपको इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। मेंटेन रेशियो आपका इसको अनेबल्ड कर देना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर ये जो सर्किल वाला, पहले यहाँ से हम एक लेंगे शेप, इसका कलर भी आपको ब्लैक ही रखना है। उसके बाद ये जो सर्किल है इस ये भी ब्लैक ही है। आपको इसको यहाँ पर कहीं भी ले जाकर छोटा एकदम कर देना है जिससे ये दिखे ना। यहाँ पर मैं इसको छोटा कर दिया। उसके बाद लेयर में जाकर आपको इन दोनों को भी मर्ज कर देना है, तभी आपका ये टेक्सचर अच्छे से चेंज हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको दोनों को मर्ज कर देते हैं। उसके बाद इसको हम हटा देंगे। अब आपको यहाँ पर इसका भी टेक्सचर चेंज करना है, तो आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर टेक्सचर वाले ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पर ये टेक्सचर का ऑप्शन है, आपको इसमें जाना है और ये गैलरी वाले आइकन पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक सिल्वर कलर का टेक्सचर सेलेक्ट कर लेना है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। मेंटेन रेशियो आपको इसका अनेबल्ड कर देना है, फिर आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब इतना ये हो गया। अब आपको यहाँ बैकग्राउंड वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको गैलरी में से एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करनी है। इस बैकग्राउंड इमेज की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यही वो इमेज है, इसका बैकग्राउंड इमेज। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है और ये जो जितने भी आपको दिखेंगे यहाँ पर ये दोनों हैं, आपको इन दोनों को भी मर्ज कर देना है जिससे हम अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे इस तरीके से। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन में जाकर इसको आपको बीच में कर देना है अच्छे से एकदम। उसके बाद अब आपको नीचे की तरफ स्ट्रोक का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसमें जाना है, आपको स्ट्रोक को अनेबल्ड कर देना है और इसका कलर आपको ब्लैक रखना है और स्ट्रोक विड्थ आपको 1 कर देना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको 3D शेप का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको भी अनेबल्ड कर देना है। इसका डेप्थ जो है इसको पहले पर्सपेक्टिव से आपको ऑब्लिक कर देना है। उसके बाद इसका डेप्थ आपको 2 रखना है। फिर आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर इसका डार्केन आपको इंक्रीज़ करना है, तो इसका डार्केन आपको 90 के आसपास रखना है, तो मैं 90% ही रख रहा हूँ। इसके बाद ऑब्लिक एंगल आपको इसका इस तरह से 200 के आसपास रख देना है, तो इसको हम 200 रख दे रहे हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आपको शैडो का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको भी इनेबल्ड कर देना है। इसका ब्लर रेडियस आपको ये अभी 10 है, इसको आपको 9 कर देना है। ऑफसेट एक्स आपको इसका -3 -2 हम इसको कर देते हैं और ऑफसेट वाई इसका हम 7 कर दे रहे हैं। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एम्बॉस का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसमें जाना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है और इसको भी आपको अनेबल्ड कर देना है। अनेबल्ड करने के बाद आपको इंटेंसिटी इसका घटाना है, तो इसका इंटेंसिटी हम 17 कर रहे हैं। उसके बाद एम्बियंट लाइट है, एम्बियंट लाइट को आपको यहाँ से 80
80 या 91, 92 हम इसको कर दे रहे हैं। उसके बाद स्पेकुलर हार्डनेस हम इसका इंक्रीज़ कर रहे हैं। स्पेकुलर हार्डनेस आपको इसका 89 या 90 आप रख सकते हैं। उसके बाद बीवेल, इसका बीवेल आपको घटाना है तो इसका बीवेल आपको 7 कर देना है। उसके बाद लाइट एंगल हम इसका चेंज करेंगे, तो लाइट एंगल आपका इसका 60 के आसपास होना चाहिए, तो मैं 60 डिग्री ही रख रहा हूँ। उसके बाद टिक पर क्लिक कर देना है। अब आपको इनर साइडों में जाना है और इनर साइडों को भी आपको इनेबल्ड कर देना है, और इसका कलर साइडों का आपको वाइट्स ही सेलेक्ट रखना है। उसके बाद इसका जो ब्लर रेडियस है आपको 2 कर देना है, और उसके बाद ऑफसेट वाई का आपको 2 कर देना है इसका भी, और ऑफसेट एक्स को आपको कोई चेंज इसमें नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही आपको रहने देना है। उसके बाद आपको टिक पर क्लिक कर देना है। तो अब ये बन गई है आपकी इमेज। अब आपको यहाँ पर सेव वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, और डायमेंशन सभी कस्टम है, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करके अल्ट्रा पर कर देना है। उसके बाद आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो अब ये इमेज आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।